मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट रामपुर, कुछ काम है बैंक में बहुत ज़रूरी, और मेरे साथ मेरे गांव की एक और है। और लावण्या को छोड़ रही हूँ मैं शॉप पे, तो वहाँ पर धूप लगी रहती है ना, तो वहाँ खेल लेगी है। तो बस अब हम निकल रहे हैं, लेट हो गई, सुबह से वीडियो स्टार्ट करनी थी पर टाइम ही नहीं लग पाया। जल्दी 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 ये जल्दी वो, और जिसके साथ जा रही हूँ उनके फ़ोन पे फ़ोन। तो हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और ये है मेरी ननद, जिसकी मैरिज मैंने हाल ही में आपके साथ शेयर की है। और ये जो साथ में है ये देवरानी लगती है, हमारे गांव से ही है। तो ननद जो है वो अपने घर से मार्केट की तरफ आ रही थी, तो इन्हीं की गाड़ी में हमें लिफ्ट मिल गई और इन्हीं के साथ हम अभी आए हैं। तो देखिए कितना अच्छा हुआ, मिलना भी हो गया और बातचीत भी हो गई थोड़ी देर के लिए ही सही। तो इसके बाद ये अपने काम से चली गई थी बाज़ार, और हम लोग बैंक आ गए थे, बैंक में हमारा काम था। और थोड़ा बहुत फिर बाज़ार आके देखिए होता ही है, काम रहते हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग, थोड़ी बहुत ख़रीदारी यहाँ हम दोनों ने भी कर ली, और उसके बाद बस फ्री होके हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ कुछ इसे सामान लेना था, तो बस ये भी आ गई है और अब हम चलेंगे घर। तो चलिए सीधे घर जाकर ही मिलते हैं, और बाज़ार मैंने आज आपके साथ ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया। तो गुड इवनिंग एवरीवन, तो मैं पहुँच गई घर, और बाज़ार में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, वही था, वही बाज़ार है जो परसों मैंने आपको दिखाया था। और फिर जल्दी जल्दी में थे, मेरे साथ दूसरी भी थी, और दिखाया मैंने आपको मेरी ननद मिल गई थी, वो यहीं पर मिल गई थी, तो उसने हमें लिफ्ट दे दी थी, वो और उसके हस्बैंड एक और कोई और थे। तो मैं और मेरे गांव की एक देवरानी लगती है, हम लोग गए थे। हमारा एक्चुअली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत पहले हमने वो चलाया था। तो गर्म की बहुत गर्म तो नहीं किया, सील कम गर्म से कम, फोन का फोन दो मेरे बेटा, ये तो ठंडा ही है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया था, तो उसका मतलब वो ना उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी उस ग्रुप में, उस अकाउंट में, तो वो बंद हो गया था। तो अब हमें वो दोबारा से चलाना है, तो उस वजह से उसको एक्टिवेट करवाना था उस अकाउंट को। तो वही फॉर्म वगैरह, फॉर्मेलिटी वगैरह रहती है, वही पूरा करने गए थे। तो उसमें जैसे मेंबर, मतलब 8 मेंबर होते हैं एक ग्रुप के, तो ग्रुप का एक प्रधान और एक सेक्रेटरी होता है, तो मतलब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होता है, तो एक वो प्रेसिडेंट है और मैं सेक्रेटरी हूँ, तो दोनों को हमें जाना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम से वो मुझे बोल रही थी, कभी उसे टाइम नहीं लगता था तो कभी मुझे टाइम नहीं लगता था, फाइनली आज टाइम निकाल के हम लोग गए। और साथ में आपको पता है जब बाज़ार जाते हैं कुछ ना कुछ खरीद कर ले आती हूँ, मैं भी कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, ये उतार देती हूँ, मेरे ना गले में दर्द हो जाती है, फिर पानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो चाय मैंने पी ली है, और टाइम बता दूँ 5:48 हो गए हैं, और बाहर अभी अंधेरा नहीं हुआ है, बस होने वाला है, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और बाल ना मैंने ऐसे ही बांध दिए थे, सुबह गीले हैं बिल्कुल, ये देखिए, और अब मेरे सर दर्द हो जाएगी, क्योंकि जैकेट के साथ ना बाल खुले नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब क्लचर नहीं लगा सकते हैं। तो चाय वाय हमारी हो गई है, और सुजन फिर दूध नहीं मिला आज। और ये रखी है मेरे पास सुबह की सब्जी, ये थोड़ी सी है, देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, समझ नहीं आ रहा मुझे, दाल बना लूँगी, कोई हल धुले मूंग बना लूँगी आज मैं। सब्जी भी रामपुर में इतना भारी हो गया था ना हमारे पास, मैं कुछ नहीं लेके आ पाई। लेना मैं लावण्या को बुला लेती हूँ बाहर से, और मेरे कपड़े देखिए ऐसे ही पड़े हैं, बाहर भी है कुछ कपड़े। वो रही मेरी लड़की आगे, ये रही जा लबो, बेटे आ जाओ, जल्दी आओ, कपड़े उठा देती हूँ मैं, अंधेरा हो गया होने वाला है। और वो सामने जो बर्फीली चोटियाँ हैं ना, इतनी सुंदर लगती है, मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की, नहीं दिख, ये देखिए अभी दिख रही है, कितनी अच्छी चमक रही है ना, ये देखिए,
एकदम ऐसे लगता है ना जैसे मतलब एलईडी लाइट नहीं होती, ऐसे लगता है जैसे एकदम से लाइट इसमें चमक रही होगी। हाँ बेटा, खाना आज मैं कुछ नहीं बना रही। हाँ सैटरडे है, कल लावण्या का, हाँ ये सुजल और लावण्या दोनों का ऑफ है। और यहाँ कपड़े गिर गए। हाँ जी हाँ जी ऑफ है। ट्यूसडे को क्या है? हाँ? ट्यूसडे को पीटीएम है और क्या है? इनको तो ना मतलब खेल ही नहीं खत्म होते इन बच्चों के, खेलते रहो खेलते रहो। घर में आके सर दर्द लग जाती है। तो ये देखिए कितने गीले बाल हैं। तो यहाँ पर ना मैंने अभी सारा फैला रखा है और एक गड़बड़ हो गई है अभी। मेरा एक जो सूट था ना, कपड़े भी आ गए हैं मेरे। जो एक सूट था जो सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया, वो मुझे घुस ही नहीं रहा है, भैया ने वो टाइट कर दिया। बाकी दो सूट तो आ गए हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन टिकाया है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सूट जो मुझे सिस्टर ने गिफ्ट किया था। सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था ये वाला सूट। ये बॉटम है, इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है। और ये है शर्ट, और ये आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ये मोटी है, गर्म है। तो ये कपड़ा जो है ना वेलवेट भी नहीं इसको कह सकते, पता नहीं कुछ अलग सा ही कपड़ा है। ये देखिए इस तरीके का है, ये सीधा है और ये उल्टी तरफ से काफ़ी मोटा है, थिकनेस इसकी काफ़ी है। तो ये ना शायद मोटा है, इस वजह से भैया को शायद थोड़ा खुला सिलना चाहिए था। अब सिला तो है पता नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बनवाया। ये बॉटम के वो लगवाए हैं जो सलवार का कपड़ा था उसके बटन और पाइपिंग, और इस तरीके का है ये। ये देखिए, ये देखिए पूरा नहीं दिख रहा, इस तरीके का है ये। और इसके साथ ये बॉटम है, प्लाजो नहीं बनवाया, सलवार ही बनाई है। तो ये वाला जो है ना ये टाइट हो गया है, यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये मुझे अब दोबारा देना पड़ेगा भैया के पास। अभी उन्हें फ़ोन करती हूँ, फ़ोन करना पड़ेगा भैया को कि ये मुझे नहीं आया है। और ऐसा होता ही है हमेशा, जो अच्छा सूट लेते हैं ना मतलब। और दूसरा है ये वाली शर्ट मैंने ली थी, उसमें रेड दिख रही है, रेड नहीं है, पीच सा कलर है, इसमें नहीं दिख रहा। तो ये कलर है, और ये मैंने खाली शर्ट ली थी, मैंने आपको बताया था। काफ़ी कमेंट ऐसे थे कि दी प्लीज जब सूट सिल के आ जाए दिखा देना, तो ये देख लीजिए, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें भी मैंने पाइपिंग लगवाई है ब्लैक कलर की, बॉटम इसके साथ ब्लैक चल पड़ेगा, स्लैक्स प्लाजो सलवार कुछ भी। तो ये देखिए ये इस तरीके का है। और ये वाला जो कपड़ा है ना ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें नोटिस नहीं होता। ये देखिए इस तरीके का है, सेल्फ प्रिंट का। और ये देखिए सेल्फ वो है, इसमें देखिए नहीं हो पा रहा, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और एक जो मैंने अपनी शॉप का दिया था ना सिलवाने के लिए, वो ये है जो एक सासू माँ को दिया था और एक मेरा था। तो ये देखिए ये मुझे ठीक आ गया है बिल्कुल, ये इसके आगे बिल्कुल पतला लग रहा है, हालांकि ये भी गर्म है। तो ये इस तरीके से सिलकर आया है, बटन भी लगा दिए भैया ने। तो ये देखिए इस तरीके का है ये देखिए। और इसमें बैक साइड में भी है, बाकी पहनकर पता लगता है। ये मुझे बिल्कुल ठीक आ गया, ये वाला भी ठीक आ गया है। और इसका बॉटम ऐसा है, प्लाजो नहीं बनवाया है, सलवार ही बनवाई है। ये देखिए इस तरीके का यहाँ पर प्रिंट है इसमें। तो ये भैया ने ही बोला था, मैंने मना कर दी थी, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। तो अब मुझे फ़ोन करना पड़ेगा भैया को कि भैया ये वाला सूट मुझे ठीक नहीं आया है, और फिर ये मुझे आ गया, मतलब ये थोड़ा थोड़ा टाइट है पर चल पड़ेगा। जो ये ब्राउन वाला है ना ये तो घुसा ही नहीं यहाँ से नीचे, इतना ज़्यादा टाइट है, क्योंकि ये कपड़ा भी बहुत भारी है ना, हैवी कपड़ा है, तो उस वजह से ये लूज लूज ही अच्छा लगेगा। तो ये कम से कम इंच भर खोलना पड़ेगा जाकर। तो अभी मैं भैया को बोलूँगी। और इसका कलर ना बहुत प्यारा है, सिस्टर ने मेहरून लिया है खुद के लिए और मेरे लिए ये लिया है। बॉटम हम दोनों के सेम ही हैं। तो ये थे मेरे सूट, इन्हें मैं लेने नहीं गई थी, मैं किसी जो काम मैंने आपको बता दिया उस काम से गई थी। तो टेलर भैया के वहाँ भी जाकर आ गई, उन्होंने कहा चलो बन गया है। और मैंने क्या लिया है अब और दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं लेकर आई हूँ एक ये देखिए बिना ट्राईपॉड के कितनी दिक्कत होती है। तो ये मैं लेकर आई हूँ विनोद का एक सॉस पैन,
सॉस पॉट बोल सकते हैं आप, 4 लीटर का। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता है कि मैं अपने एलुमिनियम के बर्तन जो है वो धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ उन्हें मतलब अगर बढ़ा कम नहीं कर सकती तो बढ़ा भी नहीं रही हूँ। एलुमिनियम की मैं कोई भी चीज़ अब नहीं ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टेनलेस स्टील का ही लूँ। कढ़ाई में नहीं ले पाई हूँ, मुझे लेनी है और पिछले 1 साल से मैं कढ़ाई के लिए सोच रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा महंगी है, विनोद की ही मुझे लेनी है और मैंने देखी है रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, बट ऑनलाइन मुझे साइज़ में थोड़ा इशू हो रहा है, साइज़ का पता नहीं लग रहा है। कई रिव्यूज़ में जैसे मैं पढ़ती हूँ, कोई बोलते हैं बड़ी है, कोई बोलते हैं बहुत छोटी है, और मार्केट में वो मुझे मिल नहीं रही है। प्रेस्टीज की मिल रही है ट्राईप्लाई वाली, पर वो नहीं मिल रही है, विनोद की नहीं मिल रही है। तो विनोद का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विनोद का मैं फ्राइंग पैन जो है वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। जो मेरे पास पैन आपने देखा है जिसमें मैं चाय बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा है वो, बहुत ही अच्छा। और उसको यूज़ करते करते मुझे 3 से 4 साल हो गई है। स्टेनलेस स्टील है, देखिए बिल्कुल मतलब एक भी उसमें कोई हैवी भी है, बॉटम भी हैवी है, जिस वजह से कुछ मतलब नीचे भी नहीं लगता है तले पे। और दूसरी बात है धूल अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है आपका, जितना मर्जी उस पर चाय से जैसे हो जाता है ना कई बार नॉर्मल जो स्टील के पैन या पॉट्स होते हैं तो वो उसमें दाग लग जाते हैं, तो उसमें नहीं लगते हैं, मतलब जम जाती है उसमें चिकनाई, उसमें नहीं जमती है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मुझे वो लगा। तो उसके बाद में कढ़ाई मुझे मिली नहीं तो मैं ये लेकर आई हूँ सॉस पॉट, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाहर से मैंने आपको दिखा दिया, तो इसके बॉक्स के ऊपर मैंने फोन रखा है, तो ये देखिए ये इस तरीके का है, तो ये देखिए इस तरीके का ये है, और ये है विनोद का, और ये मुझे पड़ा है 985, तो इसके मैंने दिए हैं 900। रेट जो है इस पे 1145 है, इसके बॉक्स पे जो रेट है, और ये 985 यहाँ लिखा है, भैया ने मुझे ये दिया है 900 का। मैंने कार्ड पेमेंट की थी, अब मुझे 900 का ही दिया है। हाँ हाँ बेटे ये आपका है, ये पड़ा है मुझे 900 का। और सैंडविच बॉटम का ये है, तो ये देखिए ये है इसकी लेड, एक ग्लास लेड थी और एक ये वाली लेड थी, तो ग्लास लेड में ना थोड़ा खतरा रहता है, फिर ये वाली ठीक है, ये सब पर ही चल जाती है स्टील की। तो ये देखिए ये है इसकी लिड, और जो मेरे पास पेन है ना उसकी भी सेम ऐसी ही लिड है, तो ये इसकी लिड है और इस तरीके का ये है। और बॉटम जो है इसका आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी इसका बॉटम है, और सेम मेरे उसका भी है, पेन का भी है, और इस तरीके का ये है, और ये है 4 लीटर का, 4 लीटर, 4 लीटर इसकी कैपेसिटी है। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैं सोच रही थी थोड़ा बड़ा ले लूं, जब मैंने इससे बड़ा 22 सेंटीमीटर का ये है, जब मैंने 24 सेंटीमीटर का लिया, हाँ 22 सेंटीमीटर का है 4 लीटर का, जब मैंने 24 सेंटीमीटर का उनसे मंगवाया ना तो वो मुझे बड़ा लगा, वो डीप नहीं था, इस तरीके से फैले हैं, जो इनकी ये विड्थ है वो इक्वल ही थी, थोड़ा सा फर्क था, चौड़ाई में फैले हुए थे, मतलब हाँ चौड़ाई में फैले हुए थे, ऐसे लंबाई में नहीं थे, तो फिर मैंने यही ले लिया। मैंने कहा इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये जैसे खीर हो गई, बिरयानी हो गई, या ऐसे खीर वगैरह बनाने के लिए ठीक रहता है ये, क्योंकि इसका ये जो बॉटम है ये हैवी है तो नीचे नहीं चिपकता दूध वगैरह। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे खुले चावल बनाने हो, या जैसे हम वो रेडू बनाते हैं तो मुझे प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ता है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे पॉट में बनेगी, तो मैंने ये ले लिया। दाल भी हम इसमें बना सकते हैं, पर दाल के लिए तो ये 4 जनों के हिसाब से तो ठीक है, मतलब 4 से ज़्यादा हो तो फिर ये दाल के लिए ठीक नहीं है। तो कढ़ाई भी मैं लूँगी, अभी मेरे बजट से बाहर है, क्योंकि देखिए एकदम से हम ना अपने घर के सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैं कम से कम 6 से 7 सालों से सोच रही हूँ, और मैंने एल्युमिनियम लेना बंद कर दिया है 6-7 साल पहले से, जब से मुझे पता लगा कि एल्युमिनियम हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाकर बीमारियाँ पैदा करते हैं, तो मैंने वो छोड़ दिया है, अवॉइड कर दिया है। लास्ट ईयर जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तो फर्स्ट पेमेंट पे मैंने लिया था हॉकिंस का स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, और उसके बाद उस टाइम मैं कढ़ाई लेने गई थी, कढ़ाई मुझे नहीं मिली थी तो मैंने वो ले लिया था। और कढ़ाई अब मैं देखती हूँ
मतलब अभी तो नहीं लूंगी पर इस साल में मैं जरूर ले लूंगी। और जो मेरे पास एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ हैं वो अभी न्यू ही है, जितनी ये पुरानी होती जाती है ना उतनी हमारे लिए ये मतलब खराब होती जाती है, तो अवॉइड ऐसा भी नहीं हो सकता देखिए कि एकदम सारे घर के बर्तन उठाओ और फेंक दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो चलिए धीरे धीरे करके जब जब बजट होता रहेगा मैं लेती रहूंगी। वो कढ़ाई जो है वो 3000 के आसपास की है और बस डायमेंशन का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितनी है कैसी है। आंखों देखी चीज देखिए, ये मैंने देखी तो मैं लेकर आ गई, मुझे पता लग गया कि ये ठीक है मेरे परिवार के लिए इतना इनफ है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मंडी में जाकर भी मैंने पूछी थी विनोद की कढ़ाई, वहां नहीं मिली, रामपुर भी नहीं है, शिमला जाकर मुझे अब ट्राई करना है, शिमला में मैंने ट्राई नहीं किया, तो जब शिमला जाऊंगी देखूंगी तब ले लूंगी। और ये थी मेरी शॉपिंग। और मैं क्या लेकर आई, और मैं कुछ नहीं लेकर आई, और हमने बैंक में काम किया तो और मैं ये लेकर आई हूँ आजकल रेवड़ी, स्टील की रेवड़ी, ये देखिए खोल दी है हस्बैंड और बच्चों ने, शॉप में ही खोल दी थी इस तरीके की, ये बहुत अच्छी होती है तिल वाली ना, और सर्दियों में तिल अच्छे होते हैं। और बस यही मैं लेकर आई क्योंकि आजकल जगह जगह वो लगे हैं ठेले लगे हुए हैं ना इसके, तो ये देखिए ये भी तिल की गचक है ये वाली, इस तरीके की पैकिंग में है। और ये रेवड़ी है, ये गुड़ वाली रेवड़ी है, गुड़ और तिल की रेवड़ी है, ये मैं लेकर आई और ये लेकर आई और ये वाली इन्होंने खोल दी, और ये वाली ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये वाली, इस तरीके से इसमें बीच में मूंगफली है, नट्स होंगे नहीं मूंगफली है इसके बीच बीच में, तो ये तो बच्चों ने खोल दी है, मैं सोच रही थी कि चलो उस टाइम काम आएगी, पर चलो बच्चों ने जब भी खाया तभी त्योहार है तो बच्चे कहाँ मानते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी और अब मैं बनाऊंगी इस पॉट में आज कुछ मीठा, देखती हूँ आज बनाऊं कि कल बनाऊं कोई पता नहीं है, देखती हूँ शायद आज ही बनाऊं, आज बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। ये पहले अब मैं ये सब समेट लेती हूँ, और बिना ट्राईपॉट के ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अब मेरा ट्राईपॉट संडे को आ जाएगा, उसमें लिखा था डेट तो 13 की दी थी पर 11 को शायद आ जाएगा, 11 की 10 को है संडे, 10 को है संडे ना, 8, 9, 10 हाँ तो आ जाएगा, वो संडे को बता रहा है उसमें कि आपको डिलीवर हो जाएगा संडे तक आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जैसे कुछ काम करना हो, किचन में काम करना हो, कौन बार बार मेरा ये फ़ोन पकड़कर मेरी वीडियो शूट करता रहेगा, क्योंकि ये काम मैंने पहले से अकेले ही किया है, खुद से ही किया है, खुद मैंने वीडियोज़ बनाई है, खुद ही एडिट की है, खुद ही सारा काम इसका मैं ही देखती हूँ, तो फिर अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, हस्बैंड तो वैसे ही नहीं होते, बच्चे फिर हेली डुली बनाते हैं, बच्चों को उतना पता नहीं लगता है कहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है कहाँ कम है। चलिए अब मैं सारा समेट लेती हूँ और साथ ही ना इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं सारा बाकी का सारा काम कर लेती हूँ और ये सब समेट लेती हूँ, खाना बनाती हूँ, और सबसे बड़ी बात लावण्या को पढ़ने बिठाती हूँ, कल और परसों लावण्या की छुट्टी है, कल की छुट्टी दे दी है और मंडे को है लावण्या का फर्स्ट असाइनमेंट, तो इसको भी तैयारी करवानी पड़ेगी। और अभी ये खेल रही थी आपने देखा, अभी आकर हॉल में खेल रही है, अब मैं इसको पढ़ने बिठाती हूँ, थोड़ा सा टाइम इसे देती हूँ, मिलूंगी आपसे अब एक न्यू अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ शॉपिंग कैसी लगी, सूट कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।